हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सर्च पावर इंडिसेस यानी घात घातांक करनी का सिलसिला जारी है और आज हम अपने पार्ट फोर वाले वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है करनी में, खासकर सर्च में, कि कौन बड़ा कौन छोटा, दुनिया हमारा हो गया है उल्टा पुल्टा। तो उसी उल्टा पुल्टे चीज़ों से बचने के लिए, उसी चीज़ों को ढंग से जानने के लिए आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे, आज हम इस अपने वीडियो में जानेंगे कि कौन सी चीज़ें बड़ी होंगी, कौन सी चीज़ें छोटी होंगी, किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हम शॉर्टकट तरीके से भी जानेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से करेंगे, और प्रोसेस से भी जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है और क्यों करते हैं। आपने औरों के वीडियोस में देखा होगा कि हम एक सेकंड दो सेकंड में सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, वो हम भी यहाँ पे करेंगे, लेकिन कभी भी ये जानने का कोशिश नहीं किया कि फैक्ट क्या है, क्यों हो रहा है। तो हम सभी चीज़ों को लेकर पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे कि हाँ ये इसलिए हो रहा है और इसका लॉजिक ये है और इस तरीके से। यानी आप भी वीडियो देख कर किसी को सिखा सकते हैं, मैं उस तरीके से आपको समझाऊँगा। तो बिना समय गवाए हम सीधे सीधे अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या लिया गया है। आइए, तो चलिए देखिए सवाल में क्या कहा गया है। दोस्त, सवाल में क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए, देख लीजिए आप सवाल। सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ज्ञात करें, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ये देखें और थोड़ा सा ये समझें। देखिए, जब हमारे संख्या में घात इस तरीके से लिखी हो तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, 4 की घात 1/3 लिख सकते हैं। फिर इसे क्या लिखेंगे, 6 की घात 1/4 घात यानी पावर, 15 का पावर 1/6 और 245 का पावर 1/12 यानी 1/12। अब अगर घात यानी पावर भिन्न में हो यानी फ्रैक्शन में हो और इसे होल नंबर में करना हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका, डिनोमिनेटर पार्ट का यानी हर का, यानी हम एलसीएम लेंगे कितने का, 3 का 4 का 6 का और 12 का, यानी हमारा एलसीएम कितना होगा, 12। अब जो हमारा एलसीएम यानी जो लॉसो आया है, हम क्या करेंगे अपने घात में उस लॉसो से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जिससे कि हमारी जो संख्या भिन्न में थी यानी फ्रैक्शन में थी वो किस में चली आएगी, होल नंबर में चली आएगी। ठीक, यानी 1/3 × 12, 6 का पावर 1/4 × 12, 15 का पावर 1/6 × 12 और 245 का पावर 1/12 × 12। तो हो गया। अब आगे करते हैं, अब क्या मिलेगा दोस्तों, तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4 बार में यानी 4 की घात 4 यानी 4 की पावर 4 दोस्तों, यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से काट दिया तो 6 की पावर 3। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 बार में काट दिया यानी 15 का पावर 2 और यहाँ से 12 से 12 कट गया यानी 245 ठीक की पावर 1। अब इसे अगर हम सजा के लिखे तो हमें क्या क्या मिलेगा, चलिए आप खुद ही बताइए। 4 का पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 का पावर 4 यानी 4 बार यानी हमें कितना मिलेगा, 256 यानी 256। यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा, 216 यानी 6 का क्यूब 216 होता है। यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा, 225 और यहाँ से हमने किया तो हमें क्या मिला, 245। अब आप खुद बताइए, 256 216 225 और 245 यानी 256 216 225 और 245 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप कहेंगे सर 256 जो है सबसे बड़ी संख्या है और ये किसके लिए आई थी, तो हम कहेंगे 4 के पावर 3 के लिए आई थी यानी घनमूल 4। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम सवालों को समझते हुए बढ़ रहे हैं। तरीका सीखिए, ठीक है, एक बार अगर आप तरीके को सीख जाएंगे तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम को बड़े आसानी से आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कह दूं, ये पार्ट 4 वीडियो है। जिस दोस्तों ने अभी तक
शर्ट्स पावर इंडिसेस यानी घात घातांक करनी का बेसिक वीडियो नहीं देखा है उन चीज़ों को भी अच्छे से देखिए कि उस तरह के क्वेश्चन जब एग्जामों में आए तो आप आसानी से कर पाए। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, घनमूल 4 यानी क्यूब रूट 4। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आइए तो चलिए फिर से वही सिलसिला, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बना लेते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/3। अब फास्ट बनाया जाए, फिर इसे हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1/4। फिर इसे हम क्या लिखेंगे, 6 की पावर 1/6। और इसे हम क्या लिखेंगे, 31 की पावर 1/12। चलिए लिख दिया। अब क्या कहा गया था आपसे, आपको कहा गया था लॉस हो यानी एलसीएम लेने के लिए किसका, डिनोमिनेटर का यानी हर का, यानी हम अगर एलसीएम ले तो क्या आएगा, 3, 4, 6 और 12 यानी कितना मिलेगा दोस्तों, 12। अब जो भी हमारा लॉस हो यानी एलसीएम आया है हम क्या करेंगे, हमारे घात से उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1/3 × 12, 5 की घात 1/4 × 12, 6 की घात 1/6 × 12 और यहां से अगर हम करते हैं तो 31 की घात 1/12 × 12 घात यानी पावर। ठीक है, यानी क्या मिला, 3 की पावर 1/3 × 12, 4 का पावर 1/4 × 12, 6 का पावर 1/6 × 12 एंड 31 का पावर 1/12 × 12। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिला, 3 का पावर 4, और 3 का पावर 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 81। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से अगर हम काट दें तो 3 से कटा यानी 5 की पावर 3 यानी कितना होगा, 125। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से हमने किया था क्या मिला, 6 से यहाँ से कट गया यानी 6 की पावर 6 कितनी होगी, 36। और यहाँ से आगे बढ़े तो 12 से 12 कट गया यानी 31। तो हमें मिल चुका है कि हमारी वैल्यूज कितनी कितनी हैं यानी कितने कितने नंबर्स आए हुए हैं, संख्या आई हुई है 81, 125, 36, 36 और 31। तो बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन हो रहा है, तो हम कहेंगे इनमें सबसे छोटी जो संख्या है, जो नंबर है, वो कौन सी है, 31 यानी 31। और 31 किसके लिए आई थी, तो हम कहेंगे 12√31 के लिए यानी सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या है, 12√31 यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो हमने यहाँ से दो तरह के क्वेश्चनों को जाना कि किस तरीके से जब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामों में दिए जाते हैं जहाँ पर हमारा पावर यानी जो घात है वो किस में हो, फ्रैक्शंस में हो, तो किस तरीके से होल नंबर में करके हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए पावर बड़े बड़े नंबर्स का दे दे तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब आएंगे भाई, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, हर एक चीज़ों से पर्दा उठेगा, थोड़ा इंतजार तो करके देखो तब तो मज़ा है ना। जैसे कहावत सुने हो ना, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, वही है, थोड़ा इंतजार करो। हर एक चीज़ों को लेकर हम बात करते हुए ही बढ़ रहे हैं। ठीक, तो आओ देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, आओ। तो चलिए, आप जो चाह रहे थे वो क्वेश्चन आ गया है कि अगर सर पावर में बड़े बड़े संख्या हो तो उन्हें बनाने का लॉजिक क्या होगा। जैसे कि देख रहे हैं आप क्या है, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो चलो बनाया जाए, हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, सबसे छोटा कौन होगा। तो चलो बनाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो। अब लॉजिक खुद डेवलप किया जाता है, लॉजिक खुद से बनाया जाता है। कैसे कि सर जब हमारे पावर में फ्रैक्शंस था यानी भिन्न था तब हमने क्या लिया था, लॉस ऑफ लिया था। ठीक, और सर हमारे यहाँ पे पावर यानी घात में क्या है, होल नंबर है, तो ठीक ये भिन्न का क्या है, उल्टा है, जहां पे हमने वहां लॉस ऑफ लिया था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर्स की यानी घात का क्या करेंगे, मॉस ऑफ यानी क्या करेंगे, एससीएफ करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं एससीएफ यानी लिख देता हूं दोस्तों के लिए, मॉस ऑफ यानी SCF अगर हम निकाले किसका किसका दोस्तों, 60, 48, 36, 24, तो कितना आएगा, 12 यानी हमारा मॉस SCF कितना आएगा, 12। अब इस 12 से हम क्या करेंगे, हमारे दिए गए पावर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। तो चलिए करते हैं, 2 की पावर कितनी है, 60/12। फिर 3 की पावर कितनी है, 48/12। फिर क्या है, 4 की पावर 36/12 और फिर क्या है, 5 की पावर 24/12 यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो 5 बार में यानी 2 का पावर 5 अगर करते हैं तो कितना मिलेगा, 32। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर हम काट दें 4 बार में यानी 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 81 यानी 81।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर हम काट दें तो कितनी बार में जाएगा, तीन बार में मेरे ख्याल से, हाँ तीन बार में, यानी 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 64, और यहाँ से अगर हम काट दें तो दो बार में यानी कितना आ गया 25, ठीक, यानी 32, 81, 64, 25। तो अब इनमें से क्या पूछा गया था, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी सबसे कौन सी हुई 25, और 25 किसके लिए आया है दोस्तों, तो 25 हम कहेंगे किसके लिए आया था, 5 की पावर 24 के लिए, यानी इनमें से सबसे जो छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 5 की पावर 24, हाया ना, इनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 5 की पावर 24। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से सवालों को आप बना सकते हैं समझते हुए, जिसे आप समझ रहे थे कि हमारी दुनिया उल्टा पुल्टा हो गई सर, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स की बात है, कि अगर आप लॉजिक से, अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझते हुए पढ़ते हैं तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सवालों को बना सकते हैं, जान सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, तो देखा जाए अगले क्वेश्चंस में क्या कहा गया, आ जाओ, चलिए क्या कहा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग, यानी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो बनाने का तरीका तो वही है दोस्तों, अब सीधे सीधे करते हैं, हाँ अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर कितना है 36, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर कितना है 24, यहाँ कितना है 48। तो अब अगर आप SCF लोगे तो क्या मिलेगा SCF, यानी अगर आप मौसम लोगे तो क्या मिलेगा, 36, 12, 24, 48 कितना आएगा मौसम, तो हम कहेंगे सर 12 आएगा, ठीक है लिख दिया। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो चलो यहाँ से देते हैं 36/12, यहाँ से करेंगे 5 का पावर 12/12, यहाँ से करेंगे तो 6 की पावर 24/12, और यहाँ से करेंगे तो 4 की पावर 48/12 हो गया। यानी अब यहाँ से अगर हम सॉल्व किए तो यहाँ से क्या मिला 3 की पावर 3, यहाँ से क्या था क्या मिला 5 की पावर 1 मिलेगा, हाँ यार ठीक। फिर यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा 6 का पावर 2, और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 4 का पावर कितना बताओ, 4 मिलेगा, 4 का पावर 4। अब अगर हम यहाँ से करते तो हमें कितना मिला 27 यानी 27, यहाँ से 5, 5, यहाँ से कितना 36, और यहाँ से 4 की पावर 4 ही आ रही है ना, हाँ बिल्कुल ठीक, यानी 256 ठीक। तो अब क्या पूछा गया था, इनमें से बड़ा कौन है, तो ऐसे ही दिख रहा है यार, 4 की पावर 48, यानी ये सबसे क्या है बड़ी संख्या है, 4 की पावर 48 यानी 4 की घात 48, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी होगा। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों, किस तरीके से हम सवालों को कर पा रहे हैं। देखो एक चीज़ जान के रखो, आप एग्ज़ामों में शॉर्टकट लॉजिक तब और तभी लगा सकते हो जब आपको ये पता हो कि किस तरीके से सवालों का क्या कॉन्सेप्ट होगा। हवाबाजी अब एग्ज़ामों में नहीं चलता, ठीक है, कि सर हम तो हवा में सवाल बना लेते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप हवा में सवाल तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ना पता, ये कटु सत्य है, जान लीजिए, पहचान लीजिए। और एग्जामों को क्रैक करना है तो आपको ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था। और हम इस तरह की चीज़ों को इसलिए बना रहे हैं कि आप घर बैठे इस कोविड की समस्या में जहां पर एक एक रुपया कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खर्च कहां से करें, तो कोई ना कोई साधन तो जरूर हो, तो हम वही साधनों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चीजों में लगे हुए हैं। सामने आपका MTS है, रेलवे ग्रुप डी नहीं हुआ, कुछ दिन महीनों बाद रेलवे ग्रुप डी है, SSC GD है, CGL का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, तो एग्जाम तो लगे हुए, ठीक है। और जिस दिन एग्जाम आएगा तो वो एक तारीख की तरह आएगा और चला जाएगा, लेकिन उस तारीख में आप अपने नाम को सुनहरा करते हैं या फिर उस तारीख में आप खो जाते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। तो चीजें समझ में आ रही हैं क्या है नहीं है, तो इसलिए लॉजिक्स को पकड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चंस में, आइए। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चनों को देखकर कई लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सीखना चाहोगे कि सर जी 2 सेकंड 1 सेकंड में सवाल को कैसे बनाए, और फिर क्योंकि हमें तो उसी से मतलब, क्यों इतना टाइम वेस्ट करे सर, कौन इतना बड़ा लिखेगा, कौन बेसिक्स करेगा। ठीक है यार, मान लिया, सबसे पहले हम वही तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको 1 सेकंड 2 सेकंड में बना सकते हैं बिना पेन लगाए, और फिर मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी जाऊंगा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों पर लॉजिक लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। अगर आप क्यों सीख जाओगे ना, तो तरीका कभी नहीं भूलोगे। देखो, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा आपके लिए। √8 + √5
रूट सात प्लस रूट छः, रूट दस प्लस रूट तीन और रूट ग्यारह प्लस रूट दो। अब इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये प्लस पर आधारित क्वेश्चन है, इसी पे माइनस पर आधारित पर भी हम बात करेंगे। अब बनाने का तरीका क्या है और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है समझिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में अगर आप ढंग से देखें और ढंग से समझें तो जो वर्गमूल के अंदर दी गई संख्या है अगर आप उन दोनों को जोड़ें तो देखिए सभी का जो योगफल है यानी टोटल एडिशंस है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो 8 प्लस 5 13, 7 प्लस 6 13, 10 प्लस 3 13, 12 प्लस 2 11 प्लस 2 13। यानी अगर आप वर्गमूल के अंदर के संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको हर जगह क्या मिलेगा, 13 13 13 13 ही मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जामों में आता है। तो अब इसको बनाने का सबसे पहले दो सेकंड एक सेकंड वाला तरीका सिखा दूं कि क्या करेंगे। देखिए दो लॉजिक्स है, दोनों लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे और एक ही लॉजिक से सवालों को करने की कोशिश भी करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन से, मतलब एक प्लस के ऊपर है और दूसरा माइनस के ऊपर है, लॉजिक हम सेम लगाएंगे। क्या है देखो, यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे प्लस हो, फिर से मैं कह रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे प्लस हो, शॉर्टकट तरीका यह है कि वर्गमूल के अंदर दी गई वाली संख्या को आपस में क्या करें, गुणा करें। तो 8 इंटू 5 कितना होगा 40, 7 इंटू 6 कितना होगा 42 यानी 42, यहां से करेंगे तो कितना होगा 30 यानी, और यहां से अगर हम करेंगे तो कितना होगा 22, निकल गया। यानी वर्गमूल के अंदर दी गई संख्या को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आ गया। अब जो भी आपका प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो भी आया है उसमें जो नंबर आपको सबसे बड़ा दिखेगा, कौन बड़ा दिख रहा है, बड़ा ही पूछा है, इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिस वन इज ग्रेटर, यानी ये संख्या क्या है, सबसे बड़ा है। तो जिसके लिए आया है ये गुणनफल यानी ये प्रोडक्ट जिसके लिए आया है वो नंबर आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। यानी आपके सवाल का आंसर क्या होगा, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। ये तरीका हो गया एक सेकंड वाला तरीका जहां पर हम एग्जामों में सवालों को करते हैं और सवालों को धज्जिया उड़ाकर रख देते हैं, हाँ या ना। क्या है तरीका कि अगर सर ने क्या बताया, मैं फिर से रिपीट करूं कि प्लस अगर होते, क्या है प्लस अगर होता है और जहां पर जोड़कर आपस में ये सभी, अगर जोड़कर आपस में ये सभी बराबर हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन ही देगा कि जहां पे वो बराबर हो तो आपको करना क्या है, इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करिए जो कि स्क्वायर रूट यानी वर्ग के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है। क्या 8 5 40, 7 6 42, 10 3 30, 11 गुने 2 22। अब इनमें जो नंबर, जो प्रोडक्ट, जो गुणनफल सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे क्या, छोटी। यानी आंसर्स क्या होगा, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। तो ये हमने शॉर्टकट तरीका सीखा कि किस तरीके से आप इन सवालों को एग्जामों में कर सकते हैं और क्या है। अब ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए कर रहे हैं सर, क्या है, आपको कोई टीचर ये नहीं बताता लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि हमें लॉजिक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि हवा में सवाल तो उड़ाना है ही है, साथ ही लॉजिक भी सीखना जरूरी है। क्यों, किस लिए और क्यों करते हैं सर, अगर ये समझ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए बनाने का तरीका क्या होगा ये हमने सीखा, मेथड वन, जहां पर हम कौन सा यूज करते हैं, शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं। अब इसी सवाल को बनाने का विधि विधान तरीका यानी प्रोसेस से जानना, ऐसा क्यों होता है और सवालों को हम करते कैसे। देखो हमारे सवाल में क्या है, रूट आठ प्लस रूट पांच। तो इस तरह के सवालों में अगर आपसे कहा जाए, इस तरह के सवालों में अगर आपसे कहा जाए कौन बड़ा कौन छोटा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी दी गई संख्या है उनका होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट आठ का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा, रूट पाँच का स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा, दो गुने रूट आठ गुने रूट पाँच। तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख देते हैं, यहाँ से आठ और यहाँ से पाँच मिलेगा, यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तेरह प्लस दो रूट चालीस। चलो लिख दिया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखें और फिर हमारे पास क्या है, रूट सात प्लस रूट छः। अब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से किया तो रूट सात का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से किया तो रूट छः का होल स्क्वायर प्लस दो गुने रूट सात गुने रूट छः, यानी कितना आएगा दोस्तों, तेरह प्लस दो रूट बयालीस यानी 42। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या था दोस्तों, दस रूट दस प्लस रूट तीन। चलिए यहाँ से करते हैं,
तो यहाँ से क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा रूट टेन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट टेन इंटू रूट टू। तो यहाँ से हमने किया तो 13 प्लस टू रूट कितना आएगा 20, 13 प्लस टू रूट 20। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए रूट 11 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर क्या मिलेगा दोस्त, रूट 11 का होल स्क्वायर मिलेगा, हाँ यार ठीक, प्लस रूट टू का, यहाँ पे 3 था ना, सॉरी 3 होगा ना, हाँ ठीक यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 30 होगा, ठीक है ठीक है, 10 प्लस रूट 3 था, अब यहाँ पे 11 प्लस रूट 2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 11 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 11 इंटू रूट 2। तो यहाँ से क्या था, हमें क्या मिला 13 प्लस 2 रूट कितना आएगा दोस्तों 22। चलिए हो गया, अब थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। अब हम जब कंपैरिजन करते हैं यानी तुलना करते हैं, तो ये जो हमारा उत्तर यानी जो आंसर आया उससे तुलना करते हैं, तो अब अगर आप आंसर्स में देखो तो यहाँ पर देखो सब जगह 13 13 13 13 ही आया हुआ है, यानी इस जगह पे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप जोड़ते हैं तो जो होल नंबर में जो नंबर्स यानी जो संख्या आती है वो सेम आती है, तो सब जगह 13 13 13 ही आया हुआ है। अब फिर से अगर आप गौर से देखें और गौर से समझें तो प्लस के बाद देखिए यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, यानी हर जगह 2 2 का ही मल्टीपल है। तो अब कौन सा नंबर बड़ा या छोटा होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होके नंबर्स आया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं जो क्या हैं अलग अलग हैं, हाँ या ना। यहाँ पर देखो क्या है रूट 40 है, यहाँ देखो रूट 42 है, यहाँ रूट 30 है, यहाँ रूट 22 है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि जो भी नंबर हमारे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के अंदर होगा और जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो नंबर हमारा क्या होगा सबसे बड़ा होगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये नंबर सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में क्या है रूट ओवर 42 यानी 42 जितने भी वर्गमूल के अंदर दी गई संख्या उनमें सबसे क्या है बड़ी है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या किया था रूट 7 प्लस रूट 6 किया था। तो आप अल्टीमेटम देख रहे हो, आप अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखो और प्रोसेस से जब देख रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चन में किस पे डिपेंड है हमारे सवाल, तो हम कहेंगे हमारा सवाल डिपेंड है सर किसके ऊपर रूट 42 यानी वर्गमूल के अंदर दी गई संख्या के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के ऊपर। इसलिए हम सीधे सीधे क्या करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं यानी मल्टीप्लाई करके गुणनफल निकालते हैं और जो संख्या बड़ी होती है उसे बड़ा कर देते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसे छोटा कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले लॉजिक की ओर, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है, तो अब हम सवालों को 1 सेकंड 2 सेकंड वाले तरीके से ही बनाएंगे, बड़ा मजा आ रहा है, चलो करते हैं मजा, आ जाओ। चलो देखो अब यहाँ पर देखो अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, अब इतने बड़े बड़े डिजिट्स आपको दिख रहे हैं तो आपको देखकर परेशान नहीं होना है, सवालों की धज्जियाँ उड़ानी है और जल्दी ही उड़ानी है, तो चलिए उड़ाया जाए। तो यहाँ से कितना मिलेगा इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 246। और ये देख कर भी आंसर बताया जा सकता है सबसे छोटा कौन है, फिर भी लिख कर कर लेते हैं क्या दिक्कत है। इससे करेंगे तो कितना मिलेगा 1650, क्या कर रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा 0 9 5 45 और यहां पर कितना आएगा 4 27 यानी 3150, ठीक है आगे बढ़ते हैं। और यहां से करेंगे तो क्या आएगा 600, तो अब बताओ इनमें सबसे छोटी कौन हो रही है, तो ऐसे ही दिख रहा था देखकर भी हम सवालों को कर सकते थे 46 यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी रूट ओवर 123 प्लस रूट 2, यानी इस सवाल को मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा नंबर का मल्टीप्लीकेशन है तो जो सबसे छोटा मल्टीप्लीकेशन वो कौन सा है 123 into 2 है, वही हमारे सवाल का आंसर होता, वो सबसे छोटी संख्या होती, और बड़ा पूछा जाता तो ऐसे ही दिख रहा है 90 × 35 करते तो हमारे सवाल का आंसर निकल जाता। तो चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों कि प्लस वाले में क्या करेंगे, और आप जोड़कर भी देख सकते हो, जोड़कर भी देख लो 123 प्लस 2 125, 110 प्लस 15 125, 90 प्लस 35 125, 120 प्लस 5 125, जोड़कर हर एक जगह पर एक जैसा ही आएगा, यानी आंसर्स क्या हो गया, तो आप कहेंगे सबसे जो छोटी संख्या हो गई वो कौन सी हो गई सर 246, जिसकी वैल्यूज हमारे सवाल में कितने के बराबर है रूट ओवर शॉर्टकट से आया, और जिस जो दिया गया था संख्या वो क्या था रूट ओवर 123 प्लस रूट 2। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है प्लस वाला, यानी अब हमने प्लस वाले पर बात किया, अब
अपने इसी लॉजिक से सवालों को बनाने का तरीका हम सीखेंगे कि माइनस में हम कैसे लगाएं। अब हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम सवालों को समझेंगे। आइए अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखो, यानी यहां से क्वेश्चन चेंज हो गए। मैंने कहा था ना कि दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक हमने क्या पढ़ा प्लस वाले पे, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं माइनस वाले। अब माइनस वाले पे भी अगर तुम लॉजिक लगाओ और समझो, क्या देखिए कि अगर आप लॉजिक लगाते हैं और समझते हैं तो क्या देखिए, यहां पर देखिए जहां पे आप एडिशंस वाले ले रहे थे तो जोड़कर यानी एडिशंस कर जो टोटल नंबर्स आ रहा था वो सेम आ रहा था, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर यानी वर्ग के अंदर जो संख्या थी, वर्गमूल के अंदर। यहां पर भी वर्गमूल के अंदर जो संख्या, अगर उनका अंतर निकाले तो देखिए सब आपस में बराबर होंगे। यहां से देखिए सात में से दो पांच गया दो, यहां पर गया दो, यहां पर भी गया दो और यहां पर भी गया दो। अब हम इसके प्रोसेस में ना आके सीधे सीधे सवालों को करते, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में भी आप क्या लॉजिक लगाएंगे, उसके पहले एक चीज थोड़ा सा और जान लेते हैं जिससे कि हमारे प्यारे दोस्तों को और भी समझने में कहीं कठिनाई ना। क्या क्या जान लें, ये जान लें कि अगर हमसे कोई पूछे कि सर माइनस तीन बड़ा है या माइनस पांच, तो हम कहेंगे सर हमारा माइनस तीन जो है वो बड़ा है माइनस पांच से। क्यों? क्योंकि माइनस में, माइनस के बाद जो संख्या जितनी बड़ी होते चली जाएगी वो उतना ही नेगेटिव होते चला जाता है, यानी वो उतने ही गड्ढे में, उतने ही गहराई के अंदर चली जाती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और आप जितना कम रखते हैं माइनस के बाद अब उतना ही ऊपर उठते चले जाते हैं, इसलिए वो क्या होती है, बड़ी होती है। सीधी सी बात है यार, उधारी दस रुपए लिया है तो वो हम माइनस में, अब जैसे जैसे धीरे धीरे उधार कम होगा, एक एक रुपए करके अपने दोस्त को देते चले जाएंगे, और जब हम तीन रुपए का उधार रखेंगे तो क्या कहेंगे, माइनस तीन है, यानी पहले माइनस दस था, उधार ज्यादा था, और जब चुकाते हुए चले गए तो अब हम माइनस तीन हो गए हैं, यानी हमारा माइनस तीन क्या है, सादा है, यानी हम पॉजिटिव में हैं, पहले हम कहां थे, माइनस दस पे थे। समझ में आ रहा है? तो जो संख्या माइनस के बाद छोटी रहेगी वो हमारे कंपैरिजन में क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब इसका शॉर्टकट तरीका सीख लेते हैं, क्या है नहीं है देखो, इसका शॉर्टकट तरीका भी हम वही अपनाएंगे जो मैं करता हूं। देखो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर एक टीचर अपना अलग अलग लॉजिक लगाता है, मेरा अपना लॉजिक है लगाने का, क्या किस तरीके से कि इस तरह के क्वेश्चंस में भी आप क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर माइनस का साइन है तो आप जब गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन देंगे, ठीक। देख लेते हैं, फाइव यानी सात गुने पांच यानी सेवन इंटू फाइव करेंगे तो क्या मिलेगा, 35, और बीच में माइनस का साइन है तो हम यहां क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 15, यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस 15 तीन कितना 45, और यहां से कितना आएगा 195, और यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, माइनस 143, ठीक। अब आप ये बताइए इनमें से क्या पूछा गया, सबसे बड़ा कौन है, तो चलिए इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटी संख्या माइनस के बाद कौन सी है, 15, यानी ये संख्या आपकी सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, यानी दिस वन विल बी द ग्रेटर वन, यानी ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि माइनस के बाद जो संख्या सबसे छोटी होती है वही आपकी क्या होती है, सबसे अल्टीमेटम क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, रूट पांच माइनस रूट तीन। मैं इसके प्रोसेस में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन को आपको प्रोसेस से समझा दिया है कैसे है क्या है नहीं है। तो देखिए लॉजिक एक ही लगाएंगे, बार बार अलग अलग क्वेश्चन करके लॉजिक अलग अलग क्यों लगाएं यार, एक ही लॉजिक को बार बार क्यों ना प्रैक्टिस करें कि जिससे कि हम सवालों को बड़े आसानी से बना पाए, है कि नहीं। क्योंकि ब्रूसली ने भी एक बात कही है ना कि अगर हमें उस आदमी से डर नहीं है जो अलग अलग मूव को 10,000 बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करता है, ठीक है, हमें उससे दिक्कत है जो एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, क्योंकि जब वो एक पंच मारेगा ना तो वह 10,000 जो प्रैक्टिस किया ना वो सारा का सारा पावर उसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक लॉजिक से प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ या ना, क्लियर है, बढ़ा जाए आगे, कहीं दिक्कत नहीं। तो आ जाओ अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। चलो भैया क्या कहा गया है, निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब ये तो आप खुद भी बना सकते हो यार, ठीक है, खुद ही कर सकते हो और देखकर भी आंसर किया जा सकता है, लेकिन मैं आपके लिए लिखकर कर देता हूं। आ जाओ कितना होगा, सभी का अंतर देखो, दो दो दो, सभी का अंतर तीन 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 हो गया। अब आओ लिख लिया जाए कितना कितना होगा, चलो यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 40, यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 88 यानी 88, यहां से करेंगे कितना मिलेगा, माइनस 180, और यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 98 का 8, हाथ में बचा 9, यानी यहां पर होगा कितना, 238, ठीक।
अब इनमें पूछा जाए तो क्या पूछा गया था, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या माइनस के बाद सबसे बड़ी जो होगी वही तो सबसे छोटी होगी, यानी सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या है, माइनस 238, यानी ये छोटी संख्या हो गई, यानी स्मॉलर वन। ठीक, और ये किसके लिए आई थी प्रभु, तो आई थी किसके लिए, रूट 17 माइनस रूट 14, तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, रूट 17 माइनस रूट 14। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से नहीं है, बिल्कुल आ रहा होगा, उम्मीद करना ही नहीं है, समझ में आ ही गया ये हम कह सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सही। ठीक, तो बस आज हम अपने वीडियो को यहीं तक अंत करेंगे। आज आपने सीखा किस तरीके से ग्रेटर देन स्मॉलर देन यानी बड़ी या छोटी संख्या आप निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो को बहुत प्यार दे रहे होंगे और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक्स और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन।